गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑथेंटिक इंडियन रेसिपीज विथ मिसेस बासु। और अभी आपको एक नया आइटम हम दिखाएंगे। ये आइटम का नाम है दही फिश करी। तो इसके लिए पहले हम लोग ने एक फिश लिए है, और ये फिश है आपका कातला फिश। इस फिश का नाम है कातला फिश। तो इसको हमने पहले ऑयल ज़्यादा नहीं, बस इतना सा ऑयल लेके इसको अच्छे से हम फ्राई करके, ये देखिए अच्छे से थोड़ा फ्राई करें, मगर इसको डीप फ्राई मत कीजिए। ये देखिए लाइट फ्राई, मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखिए ऐसे फ्राई करके आप रखिए, बहुत डीप फ्राई नहीं। अब कढ़ाई के अंदर हम तेल रह रहे हैं, दिस इज मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। अब तेल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाता है, इसके अंदर हम लोग जीरा लेंगे 1/2 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, और फिर तेज पत्ता एक तेज पत्ता। और आप देख सकते हो इसके अंदर मैं इतना सा, एक हमारे सिर्फ 3 फिश पीसेस है, सो अकॉर्डिंगली हमने जीरा लिया और एक लाल मिर्च लिया है, एक तेज पत्ता, और इलायची, छोटा इलायची जो होता है 3, दालचीनी और लौंग भी थोड़ा सा, दालचीनी और इलायची, ये मैं अभी इसके अंदर डाल दूंगी। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर हम लोग एक चम्मच, आधा चम्मच करीबन लहसुन का पेस्ट दे रहे हैं, दैट इज गार्लिक पेस्ट दिया है हम लोग 1/2 चम्मच, और जिंजर पेस्ट 1/2 चम्मच। ये देखिए जिंजर पेस्ट 1/2 चम्मच। अब इसके अंदर प्याज आप छोटा एक प्याज ले लीजिए, काफी है, एक छोटा सा प्याज इसके लिए काफी है। अच्छे से मिक्स कर रहे हैं अभी इसे। अब आप देखिए हम लोग इसमें अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा, छोटा चम्मच के 1/2 चम्मच हल्दी, दही हमने 1/2 कप ले लिया है। अब 1/2 कप दही के अंदर हल्दी, और ये आपका रेड चिली पाउडर जो है, लाल मिर्च 1/2 चम्मच, नमक आपका 1/2 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और जीरा। ये थोड़ा सा रेड, कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर कलर, इससे आपका कलर, जो खाने का जो कलर आता है बहुत सुंदर आता है, तो इसमें थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और इसके अंदर हम लोग देंगे एक चम्मच चीनी, एक से डेढ़ चम्मच, उस छोटे चम्मच का 1 से 1.5 चम्मच चीनी, और थोड़ा सा गरम मसाला। आप देख सकते हो थोड़ा सा 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मिक्स होगा या पेस्ट होगा मम्मा? ये मिक्स होगा। अच्छा, ये ऐसे अच्छे से हम लोग कप के अंदर मिक्स करेंगे। ये देखिए अब, और थोड़ा सा मिक्स नहीं करना है माँ। अब इसको हम, ये देखिए इधर भी हमारा जो ऑनियन है रेड हो गया है। अब इस मिक्सचर को हम इसके अंदर डाल देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग इसके अंदर इसको मिक्स कर रहे हैं। अब इसको इसके साथ मिला देंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है और झटपट बनाने वाली चीज़ है। अब उसी कप में जिसमें हमने दही खोला था, उसमें 1 कप पानी ले लेंगे और इसके साथ मिक्स कर देंगे। पहले
ओके आप इस जैसे ही बॉयल हो जाएगा ये हम ये फिश उसके अंदर डालेंगे, हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये बॉयल हो गया है और जैसे ही बॉयल हो जाता है हम ये फिश, ये हमने कातला लिया है, इस फिश का जो नाम है कातला है, आप रोहू भी ले सकते हो, कातला भी ले सकते हो, रोहू या कातला दोनों में से भी ये दो ये आइटम बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए अब इसके अंदर डाल के और ये बॉईल करने के लिए हमने छोड़ा है, तो ये थोड़ा सा ग्रेवी गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कितना सुंदर कलर आ चुका है इसका, और देखिए ये देखिए तेल भी निकल के, हम लोग आपने देखा है कि मैंने कितने सा तेल दिया, ऐसा नहीं कि बहुत तेल हुआ है, मगर ये रेसिपी से खुद ब खुद देखिए कितने अच्छे से तेल निकल के बाहर आ गया है, जो कि हमारा खाना अभी रेडी है। तो अब आप देख सकते हैं ये अभी हमने निकाल लिया है गैस से और बहुत ही प्यारा और सुंदर कलर आया है। आपको पता है अगर खाने का कलर अच्छा है मतलब टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है, और इट्स रेडी टू ईट नाउ, आप आराम से खा सकते हो, राइस के साथ खाने में बहुत बढ़िया लगता है। और हमारे पास धनिया पत्ती या तो टमाटर नहीं थी इसलिए हमने नहीं दिया, बट यू कैन ऑल्सो ऐड टमाटर धनिया पत्ती आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर और भी अच्छा लगेगा, नहीं तो वैसे भी राइस के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है ये डिश। तो अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, अगर ये सारे रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।